हेलो बच्चों, सो आफ्टर लिक्विफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एयर ऑक्सीजन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम। लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम इज जस्ट लाइक एज सेम एज लिक्विफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय जो थॉमसन इफेक्ट, बट द डिफरेंस इज हेयर दैट हेयर वी यूज प्री कूल्ड हीलियम। ऑलरेडी जो कूल्ड हीलियम होती है हम उस गैस का यूज करते हैं लिक्विफाई करने के लिए हीलियम गैस को, ठीक है। उसके बाद जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होता है बेटा लिक्विड हीलियम का, हीलियम गैस का सॉरी, वो होता है 35 केल्विन। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 5 केल्विन। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है 4.2 केल्विन और बॉयल्स टेम्परेचर होता है 17 केल्विन। तो बॉयल्स टेम्परेचर जो हमारा 17 केल्विन हुआ, तो जो लिक्विड हीलियम हम इसके अंदर प्री कोल्ड हीलियम हम यूज़ करेंगे वो एट द टेम्परेचर 17 केल्विन इसके अंदर यूज़ की जाएगी। तो अब एक बार इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में रीड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये सी एक एंट्रिंग पॉइंट होगा इसके लिए। ये हमारा यहाँ पंप होगा जो कि ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन अस। टू चैम्बर्स इसके अंदर यूज किए जाएंगे, चैम्बर ए एंड चैम्बर बी। इनके अंदर 4 स्पाइरल ट्यूब्स यूज किए जाएंगे, C1, C2, C3, C4। उसके बाद नोजल एम की हेल्प से यहाँ हमारे लिक्विड हीलियम को कलेक्ट किया जाएगा विद इन द ड्वार फ्लास्क जो यहाँ नीचे कनेक्ट होगा। इसके बाद जो ये ड्वार फ्लास्क है इसके अंदर लिक्विड हीलियम को कलेक्ट किया जाएगा। फर्दर जो ये पूरा का पूरा सेटअप है इसको लिक्विड हाइड्रोजन की हेल्प से आइसोलेट किया जाता है। एक कंप्लीट ड्वार फ्लास्क के अंदर ये सारा का सारा सेटअप रखा जाता है। और जो लिक्विड हाइड्रोजन वाला सेटअप है उसके बाद फर्दर वो एक और ड्वार फ्लास्क से कनेक्टेड होता है, मतलब कि कम्प्लीटली आइसोलेटेड होता है। एंड उस ड्वार फ्लास्क के अंदर होती है कूल्ड एयर, दैट इज। तो हमारे पास यहाँ इस सेटअप के अंदर टोटली 3 ड्वार फ्लास्क यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार अभी इसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। हमने जो प्री कोल्ड हीलियम जो कि मैं बोल रही थी कि एट 17 केल्विन टेम्परेचर यहाँ से सी से एंटर की, सी से एंटर करने के बाद हमने बिकॉज यहाँ से पिन ओपन कर दी थी, पॉइंट के तक आई। के पॉइंट तक आने के बाद वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई विद इन द स्पाइरल ट्यूब्स C1 एंड C2, दैट इज चैम्बर ए एंड चैम्बर बी। चैम्बर ए के अंदर हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन ले रहे हैं और चैम्बर बी के अंदर हम लोग कूल्ड हीलियम ले रहे हैं। जो ये लिक्विड हाइड्रोजन है इसे बॉयल किया जाता है एट ए हाई रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। हाईली रिड्यूस्ड प्रेशर पे इसे बॉयल किया जाता है। और जो कोल्ड हीलियम है ये हमारी कोल्ड हीलियम जो हम लोग बोल रहे थे एट 17 केल्विन उसका यूज करते हैं, ओके। तो जब यहाँ से फर्दर इन दोनों स्पाइरल ट्यूब्स के अंदर गया तो यहाँ से भी देखो ये था, ये अपनी वर्किंग करेगा जो हमारा था हाइड्रोजन बॉइल्ड एट ए हाई रिड्यूस्ड प्रेशर, और जो कोल्ड हीलियम थी वो अपनी वर्किंग करेगी। इन दोनों से पास होती हुई जो मेरी गैस है वो फर्दर एल पॉइंट पे ज्वाइंट होगी एंड एन पॉइंट एम पॉइंट पे वो फर्दर सेपरेट हो जाएगी और दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी विद इन द ट्यूब्स C3 एंड C4, स्पाइरल ट्यूब्स C3 एंड C4 से भी वो फिर से पास होगी। तो वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा विद इन कोल्ड हीलियम एंड विद इन हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब यहाँ दोनों से पास होगी तो नोजल एंड्स की हेल्प से हम लोग उसे कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो ये प्रोसेस है वो गैस फॉर्म में जो होगी वो गैस फॉर्म में यहाँ से जाके, यहाँ से देखो ये ऊपर एरोज जा रही है, यहाँ से जाके पंप पी को हम लोग ओपन कर देंगे और फर्दर वो हमें इसी पॉइंट पे मिल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ जाने का और ये C3, C1, C2, C4 का, ये तब तक रिपीट होगा जब तक कि जो मेरी गैस है वो एक प्रॉपर टेम्परेचर को अटेंड नहीं कर लेती और वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाती। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद नोजल एन की हेल्प से हम लोग उसे द्वार फ्लास्क के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। और फर्दर मैंने तुम्हें बताया था कि जो ये द्वार फ्लास्क होते हैं मेरे यहाँ, ये जो ये वाला द्वार फ्लास्क है ये मेरा फर्दर होगा हाइड्रोजन गैस से आइसोलेट और वो उसके बाद होगा कोल्ड एयर से आइसोलेट। तो हमारे 3 टाइप्स के द्वार फ्लास्क इसके अंदर यूज़ किया जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा था। तो इसके बाद जो ये लिक्विड हीलियम हम लोगों को मिलती है ये एक कलरलेस होती है, कलरलेस गैस, कलरलेस लिक्विड। और जो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 4.2 केल्विन, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी आर्टिकल के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है हीलियम का वो 4.2 केल्विन होता है। तो जो लिक्विड हीलियम हम लोगों को मिलती है वो भी बॉयल्स होती है एट 4.2 केल्विन पे, दैट्स इट। तो ये था हमारा लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम।
ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन के लिए तुम लोगों को ये सबसे पहले क्यूरीज ला जो होता है इसे देखने की जरूरत पड़ती है। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। एक्साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सबसे पहले एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में एक बार हम लोग देखते हैं। एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन इज अ इम्पॉर्टेंट फिनोमिना टू अटेनमेंट ऑफ जीरो केल्विन। जीरो केल्विन को अटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है, बिकॉज जीरो केल्विन इज द लोएस्ट टेम्परेचर और उसको ऑब्टेन किया जा सकता है एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन से। ओम्स कौन था जिसने लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम किया था, जिसके बारे में हम लोग अभी अभी पढ़ के आए थे। लिक्विड हीलियम का ओम्स के अकॉर्डिंग जो लिक्विड हीलियम होता है उसका टेम्परेचर होता है 0.2 केल्विन, लेकिन जो कैसम होता है उसके अकॉर्डिंग सॉलिड हीलियम का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0.79 केल्विन। तो ये 0.82 एंड 0.79 दिस बोथ क्वांटिटीज आर वेरी क्लोजर टू जीरो केल्विन। तो इसीलिए एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसके अंदर की हम लोग अप्रोच करते हैं जीरो केल्विन की तरफ। तो जो ये एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन होता है इसमें हम लोग मैग्नेटाइज करते हैं एक सब्सटेंस को और उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। मैग्नेटाइज करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह का जो अफेक्ट होता है इसे बोला जाता है मैग्नेटोकैलोरिक अफेक्ट। क्या बोला जाता है, मैग्नेटोकैलोरिक अफेक्ट। तो मैंने कहा कि एक्साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो हाईली मैग्नेटाइज होता है एट लो टेम्परेचर। क्या कहा मैंने कि मैग्नेटिक सब्सटेंस मेरा हाईली मैग्नेटाइज होगा लो टेम्परेचर पे। एक बार इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये रहा इसका। तो सबसे पहले ये जो बल्ब बी होगा, बल्ब बी के अंदर हमारा जो मैग्नेटाइज सब्सटेंस जिसे हमें मैग्नेटाइज करना है वो हम लोग प्लेस करेंगे। बल्ब बी फर्दर मेरा आइसोलेट होगा दो ड्वार्फ फ्लास्क से, D1 और D2 से। उसके बाद नॉर्थ और साउथ, ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग यूज़ करेंगे, हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेट जो पावर सप्लाई का होगा, ठीक है। उसके बाद जो ये बल्ब भी है फर्दर ये मेरा डिफ्यूजन पंप से कनेक्ट होता है और डिफ्यूजन पंप की हेल्प से हम लोग इसके अंदर हीलियम गैस को सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, हीलियम गैस को सप्लाई करते हैं। तो हीलियम गैस को क्यों सप्लाई की जाती है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसे हमें मैग्नेटाइज करना है जिस सब्सटेंस को इसके अंदर, क्योंकि हीलियम गैस का जो टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्स 1.5 केल्विन होता है। तो फिर हम चाहते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है वो भी सेम टेम्परेचर को अटेन कर ले जो कि होगा 1.5 केल्विन। तो जो ये ड्वार्फ फ्लास्क D1 होगा बल्ब बी को जो सराउंड करेगा, बल्ब बी के अंदर क्या है हमारा स्पेसिमैन है ना, स्पेसिमैन को फर्दर लिक्विड हीलियम होगा ड्वार्फ फ्लास्क D1 के अंदर। उसके बाद होगा ड्वार्फ फ्लास्क D2 के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन गैस। जो ये लिक्विड हीलियम गैस होती है ये हाई ससेप्टिबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी की होती है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया लिक्विड हीलियम से सराउंडेड और लिक्विड हाइड्रोजन से सराउंडेड। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स थे इनको हम लोग हाई सप्लाई अप्लाई करेंगे, हाई पावर सप्लाई, और हाई पावर सप्लाई इस तरह से अप्लाई की जाएगी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अप्रोक्स 10^4 गास का प्रोड्यूस हो। तो जब इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो जो स्पेसिमेन होगा वो हाईली मैग्नेटाइज हो जाएगा, और हाईली मैग्नेटाइज होने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, और जो ये लिक्विड हाइड्रोजन होगी इसको कंडक्ट किया जाएगा ड्वार्फ फ्लास्क D2 के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद जो स्पेसिमेन होगा वो हमारा कोल हो जाएगा, स्पेसिमेन कूल हो जाएगा और हाईली मैग्नेटाइज हो जाएगा, ओके। तो अब उसके बाद जो हमारा हीलियम गैस होता है हम लोगों ने यहाँ से बी के अंदर अप्लाई की थी, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, हीलियम गैस को यहाँ से निकाल लेंगे, और जो ये हमारा पावर सप्लाई थी इसको टर्न ऑफ कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो जो स्पेसिमेन अब हम लोगों को मिला है वो हाईली डीमैग्नेटाइज्ड एडियाबेटिकली होगा और टेम्परेचर जो होगा वो उसका बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो उसके बाद एक बार हम लोग अब देखेंगे कि जब हमने ये
पावर्स वगैरह अप्लाई की थी, मतलब कि बिफोर मैग्नेटाइजेशन एंड आफ्टर मैग्नेटाइजेशन, हम दोनों स्पेसिसेप्टिबिलिटीज को नोट करेंगे और टेम्परेचर्स को नोट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर्स। तो क्यूरी ला के अकॉर्डिंग एक्साई बाय टी वन इज इक्वल टू एक्साई बाय टी टू, दैट इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू एक्साई बाय एक्साई टू इंटू टी वन। तो ये क्या है, टी वन क्या है तुम्हारा इनिशियल टेम्परेचर है और टी टू क्या है फाइनल टेम्परेचर है। तो यहाँ से हम लोग टी टू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टी वन एंड बिफोर एंड आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर डीमैग्नेटाइजेशन, जो उसकी ससेप्टिबिलिटी होगी उसकी फॉर्म में। दैट्स इट, बहुत ईजी था ये टॉपिक और बहुत छोटा सा भी था, इसीलिए मैंने मतलब ज़्यादा मुझे बुक से ही करवाया मैंने, बिकॉज डायग्राम्स इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो बेटा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे क्लास में बता देना, हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।